नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। हम चर्चा कर रहे हैं नित्य पूजन विधान या दैनिक पूजन विधि पर। प्रतिदिन घर में देवताओं की कैसे पूजन करना चाहिए, यही आपको बताएंगे। कई बार यह कमेंट अपने यूट्यूब पर आ चुका है, इसलिए हमने भी सोचा कि ये बनाना जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्मी लोग जो है पूजा करते हैं, कुछ तो नए नए पुजारी तैयार होते हैं। जैसे पहले विवाह शादी से पहले कुछ नहीं करते थे, खूब निठल्ले घूमते थे, विवाह हो गया, थोड़ा जिम्मेदारी हो गई, तो कई बार कई जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, तो लगता है कि पूजा पाठ करना कुछ ठीक है, इसलिए करना शुरू कर देते हैं। तो आज आपको वही बताऊंगा। उससे पहले यदि आप गोपाल पंडित जी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनको आवश्यकता है उनके पास शेयर करें। इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें सरल सरल कुछ श्लोकों की एक श्रृंखला रखी जाएगी, उन्हें आप देख करके लिख सकते हैं, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता सबके साथ में रह रहे हैं तो गृहस्थ आश्रम के लिए एक बहुत अच्छा है, जो वानप्रस्थी ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए नहीं है। क्या गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति एक से ज्यादा देवताओं की पूजन कर सकता है? ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी या फिर सन्यासी चाहे कि वो एक से अधिक देवता की पूजा करे तो नहीं कर सकता, वो केवल अपने गुरु की पूजा कर सकता है, किसी एक देवता की जो इष्ट देवता का पूजा कर सकता है, ठीक है। या फिर किसी परंपरा से जुड़ा हुआ है तो परंपरा संबंधित जो उसके देवता निर्धारित किए गए हैं बस उनकी पूजा कर सकता है और किसी की नहीं। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है वो एक से अधिक देवता भगवान ब्रह्मा जी की पूजा कर सकता है, शंकर जी की कर सकता है, दुर्गा जी की कर सकता है, काली जी की, सूर्य भगवान की, जिसकी इच्छा उसकी पूजा कर सकता है, ठीक। तो पूजन करने के लिए कुछ नियम है, उनको ध्यान देने योग्य है। क्या सबसे पहले पूजन का स्थान, गांव में यदि आपका घर है, बड़ा सा घर है, तो आप आराम से जहां चाहे वहां पूजन का स्थान बना सकते हैं। लेकिन शहर में अगर आपका घर है तो पहले से ध्यान देना है कि घर बनने से पहले ही पूजन का स्थान निर्धारित कर लें, ठीक। पूजन के स्थान हमेशा किधर होना चाहिए? ईशान कोण में, जो पूरब और उत्तर के बीच में रहता है वहाँ पूजन का स्थान होना चाहिए। अगर वहाँ ना हो पाए, वहाँ संभव ना हो, तो पूरब की दिशा में रखें या फिर उत्तर की दिशा में रखें, यही दिशा में रखना चाहिए, ठीक। इसके बाद घर में जो मूर्तियाँ हैं, तो सबसे पहले शिवलिंग ज़्यादा बड़ा घर में नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ा हो तो 4 अंगुल का, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसके बाद जो अन्य मूर्ति, मान लीजिए दुर्गा जी की मूर्ति आप रख रहे हैं, शंकर जी की, शिव जी की मूर्ति रख रहे हैं, मूर्ति ठीक पीतल की, सोने की, चांदी की, काहे की मूर्ति रख रहे हैं, वो कितनी बड़ी हो, तो अधिकतम 7-8 अंगुल की हो, बस बहुत ज़्यादा हुई 9 इंच से ज़्यादा नहीं, ठीक। इतनी बड़ी मूर्ति घर में रख सकते हैं, अधिकतम इससे बड़ी नहीं होनी, छोटी तो जितनी छोटी आप रख सकें उतना छोटी रखिए। इसके बाद प्रतिदिन एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जैसे रामायण है, गीता है, भागवत है, कुछ भी एक ग्रंथ जितना पढ़ सके थोड़ा सही पढ़ना चाहिए। पूजन कैसे करें? तो सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ प्रतिदिन दें, और स्त्री पुरुष सब सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। इसके अलावा अर्घ देने के बाद भगवान सामने आसन बिछा करके बैठ जाइए, भगवान को स्नान कराइए, जो भी मूर्तियां आपके पास हैं उनको स्नान कराइए, जो फोटो है उनको एक गीले वस्त्र से पोंछ दीजिए बढ़िया, ठीक है। और स्नान कराने के बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, जिनको जो लगता है उसको लगा दीजिए, फूल माला, अक्षत जो है वो चढ़ा दीजिए। शालिग्राम भगवान को अक्षत नहीं चढ़ता, जो लोग शालिग्राम भगवान रखें तो एक ही शालिग्राम रखें, दो ना रखें, शिवलिंग रखें तो एक ही शिवलिंग रखें, दो ना रखें, शंख रखें एक शंख रखें, दो ना रखें, या फिर 2 से अधिक रखें, 3, 4, 5 ऐसे रख सकते हैं, 2 नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? तो हल्दी, चंदन, कुमको लगाएं, बढ़िया तुलसी दल इत्यादि जिनको चढ़ता हो चढ़ाएं, दूरबा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, माला चढ़ा दें। इसके बाद धूप, दीप और प्रसाद, ये करने के बाद फिर क्या करें? आरती करें। आरती करने के बाद अब जरूरी नहीं कि आप 10 देवता को पूजा करें, 10 आरती करें, एक आरती करिए बस, बढ़िया से मन लगा के अच्छे से करिए। अब आप 10 आरती कर रहे हैं, खड़े खड़े पैर दर्द कर रहा है, पैर में बार बार दिमाग जा रहा है, तो आरती में काम बन जाएगा, है ना। तो एक ही आरती करें, फिर बढ़िया से एक स्तुति करिए, कोई भी बढ़िया स्तुति, श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, ऐसी कोई अच्छी से एक स्तुति करके अपने पूजन को विराम दे दीजिए। यही सामान्य सा तरीका है। देखिए घर में पूजन करने के लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं, भाव की आवश्यकता होती है, ठीक। और एक निर्धारित समय की, दैनिक मतलब प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर पूजन होना चाहिए, ठीक है। राधे राधे।